फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। इस गाने को सुनते हुए कई लोगों के मन में संजय दत्त होने की भावना हिलोरे मारती है। इस दौरान लोग यह भूल जाते हैं कि यह 3 घंटे में खत्म होने वाली पिक्चर है और इसका अनुसरण करने पर जो नतीजे सामने आएंगे वह जिंदगी भर स्वयं को कचोटते रहेंगे। एक बार यूपी के मेरठ जिले में कुछ युवकों ने तमंचे लहराते हुए इस गाने पर ठुमके लगाए, गले में हाथ डाले और खुद यह एहसास कराया कि वह किसी डॉन से कम नहीं है। हाँ, नतीजा पैर में आई वह चोट है जो लंबे समय तक दर्द का एहसास कराती रहेगी। दरअसल बीते दिवस मेरठ में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक छत पर खूब तमंचे लहराए गए, ठुमके लगाए गए और एहसास कराया गया कि वह किसी माफिया डॉन से कमतर नहीं है। वीडियो वायरल हुआ तो धरपकड़ शुरू की गई। इस बारे में आज पुलिस क्षेत्र अधिकारी अरविंद चौरसिया ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये संज्ञान में आया कि कुछ लड़के तमंचे पर एक डांस कर रहे थे, कुछ गाना बजाना कर रहे थे। इस वीडियो की जांच के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश पर टीम बनाई गई थी। थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने रात कल चेकिंग के दौरान लगभग 10 बजे मुखबिर की सूचना मिली कि जो लोग वीडियो में शामिल हैं वो लोग बच्चा पार्क की तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना पर वहाँ पर टीम एक्टिव हुई और टीम को देख करके वो लोग भागने का प्रयास किए। इसी भागने के दौरान वो अपनी गाड़ी छोड़ करके जिमखाना मैदान की तरफ कूदे। कूदते के बाद एक लड़के को पैर में चोट लग गई और दूसरा भागने में सफल रहा। जो लड़का पैर में चोट लगी वो अजहर है, वो वीडियो में भी डांस कर रहा है तमंचे पर। उसको अरेस्ट किया गया और उसने फायरिंग करने की भी कोशिश की थी, जिसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद भी हुआ। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसको जेल रवाना किया गया। सर, इसकी क्या ये किसी गैंग से भी नाम जुड़ा हुआ है इसका? ये एक क्रिमिनल है और इसके खिलाफ 302 लूट के मुकदमे भी पहले से हैं। ये हमारे थाना क्षेत्र का टॉप 10 अपराधी और सक्रिय अपराधी भी है। इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। सर, कोई इनाम भी है? अभी इसमें इनाम नहीं था, लेकिन कार्रवाई इनके खिलाफ की गई। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।